सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फराज हूँ। पानी जो है मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो निकाला है कुआँ है, उसके पानी का तरीका क्या है आपको बताता हूँ। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के कुएँ का जो नीचे कुआँ है। هذا البئر جو طيب ये कुआं है। هذا البئر جو ठीक है, बेर कहते हैं उसको कुएं को। ये देखिए तो ये बेर का पानी, मीठा पानी। इसको आप बोतल में डालें, बोतलें कहाँ से मिलेंगी, दरवाजे पे किसी को कहेंगे आपको पूरा बंडल पड़ा हुआ है बोतल का फ्री में दे देंगे आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का। इस बोतल पे आपने पानी दम करना है कौन सा, अल्लाहुम्मा इजअल हु, ये पढ़े अल्लाहुम्मा इजअल हु नूरा व तहूरा व हिरदन व आमना व कुल व मिन कुल खौफ आमनन मिन कुल खौफ व शफा मिन कुल दाइन व सक़म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। और ये पानी फिर लेके जाना है कहाँ पर, जैसे मेरे दोस्त ने अभी करार में डाला हुआ है इस पत्थर पे, जो मौला ने इस पत्थर को उठाया था, ये क्या ज़माने का पत्थर है, इस पत्थर में डालना है। ये मौला ने इस पत्थर को हटा के पानी निकाला था, यहाँ पे ये पानी डाला हुआ है। ठीक है, ये खाली करके फिर जिस बोतल में किया हुआ है तो उसमें इसमें डालना है। ठीक है, ठीक है, ये पानी डाला और दुआ पढ़ते रहिए اللهم اجعله نورا وطهورا من كل خوف وشفاء من كل سقم। ये आपने पढ़ना है। ठीक है, पानी डालें और इस बोतल में फिर पलटा देना। اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعله نورا وطهورا اللهم اجعله نورا وطهورا من كل خوف كل خوف من كل خوف وشفاء। ठीक है, ये पानी आपने डाल दिया ऐसे कि नीचे ना गिरे, बस ये ख्याल करना। ये पानी एक एक जो है ना कतरा भी है, इसका तरीका है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हमने दुआ तो पहले से पढ़ ली, उधर जो पढ़नी थी उधर ही पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने इस पर डालना है। आपने देख लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ऊपर आप नाम पढ़ें, लिखा हुआ है जामे बुरासा मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम। इतना खूबसूरत मकाम और खूबसूरत जगह है जिसे आप देख के यकीनन खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ऐसी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत मकाम। इसके बारे में मैं जिस तरह आपको बताने की कोशिश करूंगा, अल्लाह करे मैं कामयाब हो सकूं इस चीज़ पर कि मैं आपको इसके बारे में फ़ज़ाइल जो हैं बता सकूं। इब्तिदा करता हूं अल्लाह के नाम से जो कुल कायनात का मालिक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो इबादत के लायक है और खालिक कुल कायनात है। हम्द व सना उसके नाम पर, प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम नबीयीन करार दिया और उसके जानशीन अमीर अलमोमिनीन को हमारा मोमिनीन का अमीर करार दिया। जामे बुरासा की बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ी तारीख है। ये मस्जिद जिसे आप देख रहे हैं, ये पहले चर्च था, सहरा में एक चर्च था जो ईसाई यहाँ पर इबादत किया करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे नहरवान से जब वापस आए तो ये पूरा एक सहरा था और एक छोटी सी यहाँ पे जगह बनी हुई थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो इस जगह पर जब पहुँचे हैं तो लोग नहरवान जंग से, जब उमाविया से जंग की थी, खुदा की लानत हो, मौला अली का माविया के साथ जंग करना ये छुपी हुई बात नहीं है, तारीखों में हर चीज़ में मिलती है। इमाम का माविया से जंग करना यानी बताता है कि इमाम हक पे और वो
बातिल पे है, खुदा लानत करे। तो ये मस्जिद इमाम अली से मंसूब कैसे हुई, मकाम की क्या तारीफ़ है? तो इमाम अपने तमाम जो नहरवान के जो साथी थे इमाम के यहाँ पर पहुँचे, पानी की शिद्दत की प्यास से तड़प रहे थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम इस चर्च के करीब आए और आगे पीछे थोड़ा देखा और उसके बाद ज़मीन पे हाथ रखा और फिर ज़मीन पे हाथ रख के इस जगह से, ये आपके सामने है, अंदर मैं आपको ज़्यारत कराने जा रहा हूँ, जहाँ से मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने, इस सहरा था बिल्कुल, ये बगदाद से थोड़े दूर 3 किलोमीटर के फासले पे, ये वो कुआं है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतराम है क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने। तो ये पानी जिसे आप देख रहे हैं कुआं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से पत्थर को हटाया और इधर से आपने पानी निकाला और अपने असहाब को पिलाया। और ये वाकया भी फ़िल्म की शक्ल में मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो बड़ा फ़िल्म के अंदाज़ में जिस तरह उन्होंने बयान किया है आपको बिल्कुल वाज़े समझ में आ जाएगा। तो ये कुआं है जामे बरासा, जो मेरे मौला से मंसूब है, मेरे मौला ने जो है यहाँ पर पत्थर हटा के पानी निकाला है। तो ये जामे बरासा मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनके नाम से मंसूब हो गई है। यहाँ जामे बरासा की बहुत सारी जो है खसूसियात हैं, ये कुएं की ज़्यारत की, अब ये कुएं का जो आपने ज़्यारत की, वहाँ से मौला ने पानी निकाला है, ये असरात हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लोग मुख्तलिफ दुनिया के लोग आए, उन्होंने देखे कि ये बिल्कुल इतने सहरा के दरमियान इतना मीठा पानी कैसे हो सकता है। इसकी खोदाई हुई है सारा कुछ, इंजीनियरिंग वगैरह, ये बड़ी सर्चिंग के बाद नेट पर आप मिल सकती है। मैं सिर्फ ज़्यारत कराने आया हूँ, शायद मैं कुछ बातें रह जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ इल्म और ख़बर दूँ। तो वो पानी जो है निकालते हैं, वो पानी निकाल के इसमें डालते हैं और फिर एक दुआ पढ़नी होती है और उसके बाद पीना होती है। अल्लाह की कसम, मेरी बेटी बीमार थी, सफ़र में थी, हम ज़ायरीन के साथ गए थे अचानक, तो बहुत बुखार था, मैं परेशान था, बाप था, तो अफनान जहरा जो मेरी बेटी है उनको इधर लेके आया था इसी पत्थर से, उनको मैंने पानी पिलाया, कुछ ही देर के बाद उसका बुखार ख़त्म हो गया बिल्कुल जड़ से। तो इस पानी में बड़ी शिफा है, ये पानी ज़रूर लेके जाए, मैं भी लेके जाऊंगा। इंदक माँ बोतल माँ इंदक ला नाक नाक बोतल ऐ। तो यहाँ पे जामे बरासा के बारे में कुछ बताएं ज़रूर। अब कर बेर जो वो मौजूद मोबाइल। तो ये जगह आपने देखी, ये पत्थर जो है वो ज़माने का है, यहाँ पे पानी डाल के पीते हैं, इस तरह तरीका है, दुआ वगैरह पढ़नी होती है, दुआ भी लिखी होती है, यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी दुआ है, सामने लिखा हुआ है दुआ वगैरह। तो ये मरकज़ था शियों का, और उस ज़माने में, पुराने ज़माने में तकरीबन आज से 1000 साल पहले, तकरीबन हाँ 1000 साल पहले यहाँ पर इज्तमा हुआ करता शियों का, पूरे बगदाद कि जितने भी शिया यहाँ पे जमा नमाज़ पढ़, आपको पता है शिया तो एक ही शहर में एक ही नमाज़ पढ़ते हैं, फासले पर होती है, तो बगदाद की नमाज़ यहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पे अहल बैत अलैहिस्सलाम की जो है अहादीस बयान किया करती, तो यहाँ पे हमले भी हुए और उसके बाद मुक्तदर अब्बासी, खुदा की लानत हो, यहाँ पर उन्होंने हमला करवाया मोमिनीन के ऊपर, शियत कत्ल गारत की और बहुत सारे, उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारी रवायात हैं, आप उसको उलमा से पूछ सकते हैं, मैंने सिर्फ ज़्यारत करानी है आपको, तो डिटेल ज़्यादा नहीं बता सकता मुख्तसर वीडियो में। और उसके बाद हज़रत इब्राहिम ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, बीबी मरियम ने इबादत की है, हज़रत ईसा ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और इबादत की है, उस ज़माने में जो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म था उन नबियों पर वो इबादत करते रहे। तो बहुत सारी रवायात, बहुत सारी चीज़ें हैं, और शियों का एक मजमुआ यहाँ पे इकट्ठा करता था। इतनी बड़ी फजीलत है जामे बरासा की, इतनी बड़ी फजीलत है, किसी आलिम को एक दिन कहें खुतबे में या कहीं जगह पे कि हमें जामे बरासा के बारे में कुछ बताएं, तो आपको मुकम्मल जब वो बताएगा आपके अंदर दिल में तड़प हो जाएगी, काश कि हम भी जामे बरासा जाएं। ये कहाँ पर है? बगदाद शहर में है, और इसकी एड्रेस जो है वो आप किसी से बगदाद में आके पूछेंगे, इमाम मूसा कादम के सामने, जामे बरासा, शाकिर भाई ये क्या है? अच्छा बता देता हूँ, हाज़ी सखरत अल्लती वदअत मरियम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह ईसा मिन अला आतिकहा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह अकबर, मेरी तो वीडियो ही काम नहीं कर रही, यहाँ पे अजीब लाइट लगी हुई है, ये देखें, हालांकि वो लाइट में ऐसे चमक नहीं है,
बहरहाल समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। लाइट तो बिल्कुल साफ चल रही है देखें। खैर जो भी है, तो ये पत्थर जब हज़रत मरियम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है खुशी हासिल हुई, आपकी विलादत हुई, तो इस पत्थर पे सबसे पहले लिटाया गया। और इस पत्थर के बारे में बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। और यहाँ पर एक नसरानी था जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रुका हुआ था, उसको कहा गया था ईसाई को कि यहाँ पर ख़ुद नबी आएगा या नबी आखिरी नबी या नबी का वारिस कोई आएगा, तो वो अगर यहाँ पे कोई मौजज़ा करे तो उसके ऊपर ईमान लाना। तो एक ईसाई था जो मुंतज़र था इस अरसे से इस जगह का, तो फिर क्या देखा, जंगे नहरवान से आते हुए एक शख्स को ज़मीन से पत्थर उखाड़ा, उसके बाद पत्थर को हटाया तो पानी निकला। तो वो नसरानी, वो ईसाई मौला के पास आता, कहता है कि खुदा की कसम मैं आपके इंतज़ार में था, क्या आप आखिरी नबी हैं या उसके वारिस हैं? तो उसने कहा मैं आखिरी नबी, क्या वारिस हूँ? तो कहा आपके बारे में ही बताया गया, आपका नाम क्या है? कहा अली। तो अलिया इस तरह करके मौला को फिर हाथ पांव चूमने लगा। और आपके साथ मुकाबले में कौन था जंग में? कहा माविया। तो उसका भी नाम उन्होंने लिया और फिर बेशुमार की। और उसके बाद ये ज़ियारत वगैरह आपको करा रहा हूँ जामे बरासा की। उसके बाद उन्हें हाथ पर चूमे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने बैयत की और कलमा पढ़ा, और अपने पूरे कबीले को उनके साथ, बीवी और वो रहते थे। और उसके बाद फिर ये बहुत सारी जो हैं यहाँ पर हजर बुरासा कुतब मिन हजार कदीम तहमिल नुकुश नाकेश महदुर तऊद मा कबल इस्लाम, इस्लाम से पहले ये पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा आसार कदीम है इसके लिए। तो ऐसे को भी मामूर नवाली है जामिया बुरासा वक़द नफरत बिल जानब नक़श बिलख़ल खादर असमाए मासूमिन अरबाशर महम्मद रसूलुल्लाह फ़ातिमा ज़हरा अहमद। इस पत्थर पर 14 मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं और काफ़ी अरसे से, और इसके लिए रवायात में मौजूद है। बरहाल जो भी चीज़ें हैं आप देख ही सकते हैं, कुछ बत कम वगैरह बताता हूँ तो आप उसको आलम दीन से जो है वो भी तहकीक करा लें कि ये पत्थर शाकिर भाई ने दिखाया, ये चीज़ आप भी थोड़ी तहकीक करें। मैं तो सब बातें नहीं बताता, जितनी मुझे पता है सरसरी बताता जा रहा हूँ। मुझे एक बताने के लिए एक घंटे की वीडियो चाहिए, एक घंटे की तकरीबन जो है आपको मुकम्मल तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पर, तो अपलोड करने में बड़ी मुश्किल होती है, मुसीबत होती है, तो वो नहीं होती, एक वीडियो भी हमें एक दिन लग जाती है। जामे पर सारी बातें हैं, चलते हैं ये जामे जहाँ पे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी। ये शियों का, शिया ने हैदर कर्रार का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ करता था बगदाद में, वो ये मस्जिद थी। अल्लाह अकबर, जामे बरासा। ज़माने में बहुत बड़े बड़े शियों के आलमी दीन यहाँ पे जमा हुआ करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा जो बगदाद शहर में इज्तिमा होता था शियों का, इसी मस्जिद में हुआ करता था। बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं इस मस्जिद के, इस मकाम के, मैं बताने के लिए कासिर हूँ, मेरे पास वो नहीं है, तारीख है बिल्कुल। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो जब बनाना टाइम मिला तो मैं बनाऊँगा, आगे भी हमने जाना है ज़्यारत करनी। इस वक्त मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया हूँ, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह जनाब बहलूल की ज़्यारत के लिए जाऊँगा और आप सब के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। जामे बरासा जब भी बगदाद आना हो, काजमीन की ज़्यारत करनी हो, जामे बरासा की ज़्यारत करनी है, आने से पहले मुकम्मल इसकी हिस्ट्री मालूम करें, आपके अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी इस मस्जिद के लिए, आपके अंदर तड़प पैदा हो जाएगी। पानी भी आपको दिखा देते हैं, इसका तरीका भी बता देते हैं कौन सी दुआ पढ़नी है, ताकि फिर ये चीज़ मुकम्मल हो जाए जिसके लिए। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ने 1960 में 3 जो हैं यहाँ पर सैन बनाए थे, सैन फ़ातिमा ज़हरा के नाम, सैन अबुल फजल के नाम, सैन हसनैन के नाम। तो ये मस्जिद, और कहा जाता है इस मस्जिद में हज़रत मिकदाद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी है। हज़रत मिकदाद जो अल्लाह चार शख्सों से मोहब्बत करता है, रसूल, और तुम भी उनसे रसूल मोहब्बत किया करो। हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से हदीस आई थी रसूल खुदा के पास कि चार शख्स ऐसे हैं या रसूल आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि आप उनसे मोहब्बत करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान, हज़रत अम्मार, और उसके बाद फिर जनाब मिकदाद के लिए कहा गया ये रवायत। तो अल्लाहुम्मा अजल नूरा व तहूरा व हिरज़न आमरन मिन कुल खौफ व शफा मिन कुल दवाइन व सक़ीम, ये दुआ पढ़ के। और ये पानी है, ये पानी जो है जो कुएं से निकाला जाता है,
कि वो ज़माना नहीं है कि आज उसके और चीज़ों के निकाले टैंकी वगैरह है मोटर के ज़रिए से खींचते हैं, मगर पानी वही शफाता है उस पत्थर में डाल के और फिर पीना होता है, और फिर ये दुआ पढ़नी होती है। फिर आप देखें कोई भी होगी, मैं पानी लेकर आऊँगा, जिसको चाहिए तो पाकिस्तान में जाके ले सकता है। सलमान मोहम्मदी के ज़री का पानी सारे जमा कर रहा हूँ, मौलासन के चश्मे का पानी, मौला अली के घर का पानी। बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी शिद्दत से इतना दूर आया हूँ, सुबह निकले हुए 5 बजे से, मौला की नमाज रोज़े में पढ़ी, नमाज शब पढ़ने के बाद निकले, फजर की नमाज पढ़ी और फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे पूरा सफ़र है, कुर्बानियाँ करनी है। बहरहाल ये ज़्यारत आपने कर ली है तो ये मकाम है बेर इमाम अली अलैहिस्सलाम, देख सकते हैं। मेरी मेहनत आपको कैसे लगी ज़रूर प्यार दीजिएगा, इज़्ज़त दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ। आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह इंतज़ार होगा और मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई दूँ। लबैक या हुसैन, लबैक या। एक मरतबा इस पत्थर की भी ज़्यारत कर लें। पानी वहाँ से निकाले, इस पत्थर में डाला और ये पत्थर में दुआ पड़ी और उसके बाद इसको पीना है, ठीक है। मीठा साफ पानी, हालांकि इस मंतके और इलाके में कहीं पर भी इस तरह मीठा पानी नहीं है। बड़ी सर्च हुई है साइंसदानों की यहाँ पे आके, ये जो पानी आपको ऐसा लगेगा मीठा पानी, मज़ा आ जाएगा। तो खुदा की कसम इसमें शफा है, आप पी के देखें, लेके देखें, किसी मरीज़ को पिला के देखें, पता चल जाएगा, ठीक है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिस पानी को खोद के निकाला है तो उसमें चश्मे में शफा नहीं होगी तो क्या होगी। अकीदे वाले जिंदाबाद, अकीदे के मुखालिफ बेशुमार। हाँ जी, जिसको अकीदा नहीं है तो वो रसूल अल्लाह की दी हुई चीज़ पे भी नहीं करेगा जिस तरह उस ज़माने में थे। जिसको अकीदा है तो अवेस करने की तरह जिंदाबाद, लबैक या हुसैन।